नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज अपनी पिछली वीडियो यानी कि जो फैमिली सेटलमेंट डीड को लेकर के थी कि अगर बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनके नाम पे जॉइंट प्रॉपर्टी है और वो अगर अपने प्रॉपर्टी अलग अलग डिमार्केट करना चाहते हैं, अलग अलग अपने हिस्से करना चाहते हैं, तो कैसे वो सस्ते में ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी खर्च किए बिना इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो आज मैं उसी के कॉन्टिन्यूशन में, क्योंकि उस वाले मेरे वीडियो में बहुत सारे सवाल आए थे कि मैम परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, जो बायर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली सेटलमेंट डील कितनी सेफ है, या बहुत सारे अगर को ओनर्स हैं एक प्रॉपर्टी में और उसमें से कोई एक अपना हिस्सा बेच रहा है उस प्रॉपर्टी का और उनके बीच में पार्टीशन डीड नहीं हुई है, तो कैसे ये प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है ताकि खरीदने वाले के ऊपर कोई रिस्क ना आए, उस प्रॉपर्टी पे आगे कोई डिस्प्यूट ना हो। तो आज मैं इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल इंफॉर्मेशनल वीडियोज आपसे मिस ना हो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं हम उन प्रॉपर्टीज की जिसमें बहुत सारे जो को ओनर्स हैं या बहुत सारे लोग उस प्रॉपर्टी को जॉइंटली ओन करते हैं, जॉइंट ओनर्स हैं। हो सकता है वो फैमिली मेंबर्स हों और हो सकता है वो फैमिली मेंबर्स ना हों। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि अगर उनके बीच में पार्टीशन नहीं हुई है या उन्होंने ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी खर्च होने के डर से पार्टीशन डीड एग्जीक्यूट नहीं की है और उसमें से कोई एक व्यक्ति अपना हिस्सा आपको बेचना चाहता है, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है ताकि कल को आपकी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट ना हो जो आपने खरीदी है, या कोई दूसरा को ओनर सामने आके ना खड़ा हो जाए कि जी मेरा पार्टीशन हुआ ही नहीं था, इस पूरी प्रॉपर्टी के हर भाग में, हर इंच में, हर सेंटीमीटर में मेरा भी हिस्सा था, तो मुझे क्यों नहीं जॉइंटली सेलर बनाया गया या मुझसे क्यों नहीं पूछा गया। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि जो जॉइंट प्रॉपर्टी में सेल डीड है, सबसे पहले तो आप उसमें देखिए कि क्या हिस्से अलग अलग क्लियरली डिमार्केटेड हैं। जैसे कि बहुत सारी हमें प्रॉपर्टीज दिखती हैं कि एक पूरी प्रॉपर्टी है, तीन लोगों के नाम पे है, ए बी और सी, और उसमें अलग से मेंशन्ड है कि ए के नाम पे फर्स्ट फ्लोर है, बी के नाम पे सेकंड फ्लोर है, सी के नाम पे थर्ड फ्लोर विद रूफ राइट है, उस सेल डीड में ही क्लियरली डिमार्केटेड है। तो ऐसे में डिस्प्यूट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अगर थर्ड फ्लोर विद रूफ राइट लेना चाहते हैं तो सी आपके नाम पे सेल डीड कर सकता है और आपकी हिस्से में कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा, क्योंकि जो ए बी सी के नाम पे जॉइंट सेल डीड थी उसमें क्लियरली मेंशन था कि थर्ड फ्लोर विद रूफ राइट सी के नाम पे है। इसी तरह से कोई मान लीजिए 100 गज या 150 गज की प्रॉपर्टी है और उसमें मेंशन्ड है कि ए के नाम पे लेफ्ट हैंड साइड वाला 50 गज जिसका बाउंड्रीज भी क्लियरली मेंशन्ड है, बी के नाम पे बीच वाला 50 गज जिसकी बाउंड्रीज क्लियरली मेंशन्ड है कि उसकी एक साइड में ए का प्लॉट है, दूसरे साइड में सी का प्लॉट है, इस तरह से क्लियरली मेंशन्ड है, और सी के नाम पे भी इसी तरह से क्लियरली मेंशन्ड है कि राइट साइड वाला जो 50 गज का हिस्सा है वो सी का है। तो अगर हिस्सा क्लियरली मेंशन्ड है विद क्लियर बाउंड्रीज ऑफ द प्लॉट, तो ऐसे में भी आपको वो प्लॉट खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप जिससे खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी उसका हिस्सा बहुत ही क्लियरली उसकी सेल डीड में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो ऐसे में अगर पार्टीशन डीड नहीं भी होती है तो आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नंबर टू पॉइंट दोस्तों, कि कुछ इस तरह का है कि सेलर, जैसे सपोज कीजिए अगेन तीन सेलर है, तीन जॉइंट ओनर्स हैं ए बी और सी, और कोई 500 गज का प्लॉट है या 300 गज का प्लॉट है और उसमें लिखा है कि ए बी और सी जो हैं इस 300 गज के प्लॉट के जॉइंट ओनर्स हैं। तो ऐसे में उसमें ये भी मेंशन है कि इनका इक्वल शेयर है, तो यानी कि आपको मालूम है कि 100-100 गज तीनों का शेयर बनता है, लेकिन कौन सा किसका हिस्सा है ये तो नहीं मालूम। तो ऐसे में आप प्रॉपर्टी कैसे खरीदेंगे, बिकॉज यहाँ पे हर इंच हर सेंटीमीटर जो है तीनों के द्वारा जॉइंटली ओन्ड है, इसमें पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स हुआ ही नहीं है और प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हुआ है, तो ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल
पॉसिबल ही नहीं है कि किसका कौन सा सौगज है या कौन सा हिस्सा है। अब ऐसे में अगर ए आपको सौगज बेच देता है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें पार्टीशन डीड नहीं है, तो इसका क्या इलाज है? अब ए कहता है कि जी हमने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि हम अपना अपना 100 100 गज बेच देंगे और पैसे भी मुझे ही चाहिए 100 गज के पूरे, मैं बी और सी को पैसा नहीं देना चाहता, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इसका जो एक तरीका है वो ये है कि ए आपके नाम पे सेल डीड करेगा एज सेलर, बी और सी जो है सेलर में ही कंफर्मिंग पार्टीज बनेंगे, यानी कि जब आपके नाम पे सेल डीड हो रही है तो ए इज द वेंडर, बी एंड सी आर कंफर्मिंग पार्टीज इन फेवर ऑफ यू। तो ऐसे में जब सेल डीड एग्जीक्यूट होगी तो आप पैसा जो है सेलर यानी कि ए को देंगे, बी और सी कंफर्मिंग पार्टी बनेंगे ये कहते हुए कि वो इस सेल को कंफर्म कर रहे हैं, वो इस सेल को एग्री करते हैं और उनको इस सेल से कोई एतराज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है और इस सेल में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में बी और सी आपके सामने कभी भी आके खड़े नहीं हो सकते कि उनका भी हिस्सा था और ये उनसे पूछे बिना बेच दिया गया, उनका राइट बनता है और वो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि बी और सी की रजामंदी थी इस पर्टिकुलर सेल में। तो ये बहुत आसान तरीका है कि जब पार्टीशन नहीं हुई है और तो भी आपको प्रॉपर्टी का 100 गज हिस्सा 300 गज में से ए से खरीदना है तो बी और सी को कंफर्मिंग पार्टी बना दिया जाए उस सेल में। ठीक इसी तरह जब ज्वाइंट प्रॉपर्टी किसी के नाम पे आती है, सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति हैं जिनके नाम पे एक 500 गज का प्लॉट था, उनकी डेथ हो जाती है और उनके 4 बच्चे और एक वाइफ होती हैं, तो यानी कि 5 लीगल हेयर्स हैं। अब ऐसे में जब कोई एक आपको बेचना चाहता है तो तरीका यही है कि जो बाकी के 4 लीगल हेयर्स हैं वो उस सेल डीड में कंफर्मिंग पार्टी बनेंगे ताकि कल को कोई भी डिस्प्यूट ना कर सके आपके इस सेल ट्रांजैक्शन को लेके। तीसरा तरीका जो इसका है दोस्तों, जो अक्सर क्वेश्चन आता है कि मैम कंफर्मिंग पार्टी तो वो दोनों जो जॉइंट ओनर्स थे या जो लीगल हेयर्स थे वो बने नहीं और सेल डीड तो हो चुकी है, अब क्या हमारी ये सेल डीड बेकार हो गई, अब हमें दोबारा से पूरी स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों पहली चीज कि कोई भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर राइट्स जनरली स्पेशली अगर आज की डेट की बात करें तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से नहीं बनते हैं, ये रजिस्टर्ड होने चाहिए और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की ही ज्यादा वैलिडिटी होती है, उसकी ऑथेंटिसिटी होती है, तो आप कोशिश करें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो। अब जब वो व्यक्ति जो बाकी के को ओनर्स थे, शेयर होल्डर्स थे प्रॉपर्टी में या बेनिफिशरीज थे, वो आपकी सेल डीड में कंफर्मिंग पार्टी नहीं बने और सेल डीड ऑलरेडी हो चुकी है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो दोस्तों ऐसे में जो तीसरा तरीका है वो ये है कि जो भी बेनिफिशरीज थे या को ओनर्स थे उस प्रॉपर्टी में, उनसे आप रजिस्टर्ड डिस्क्लेमर डीड ले लें कि आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी में उनका कोई राइट नहीं है, वो कोई भी राइट या बेनिफिट आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं करते हैं। यानी कि सपोज कीजिए अगेन हम उसी एबीसी पे आते हैं कि अगर 300 गज की प्रॉपर्टी ए बी और सी के नाम पे जॉइंटली है तो ए ने आपको 100 गज उसमें से बेच दिया लेकिन बी और सी जो थे कंफर्मिंग पार्टी नहीं बने थे आपकी सेल डीड में, और आपको ये डर है कि कभी भी बी और सी या फिर उनकी डेथ के बाद उनके लीगल हेयर्स आके इसमें राइट क्लेम कर सकते हैं, डिस्प्यूट खड़ा कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी में, तो आप बी और सी से अब भी सेल डीड होने के बाद भी रजिस्टर्ड डिस्क्लेमर डीड ले सकते हैं ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना रह जाए, कल को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अगर सेल डीड हो भी चुकी है तो रजिस्टर्ड डिस्क्लेमर डीड आप अपने नाम पे बनवा लीजिए इन लोगों से ताकि कल को ये या फिर इनके लीगल हेयर्स प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ने के बाद या किसी और वजह से आपकी प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी ना कर सकें। तो दोस्तों ये थे तरीके। कुछ लोगों के ये भी सवाल आते हैं कि मैम अगर वो कंफर्मिंग पार्टी नहीं बनते हैं सेल डीड में जो दूसरे बेनिफिशरीज हैं और विटनेस बन जाते हैं तो उसका क्या है, क्या ये भी सही है? तो दोस्तों विटनेस जो है एग्जैक्टली सही चीज नहीं है क्योंकि विटनेस का जो रोल होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में साइन करने का वो सिर्फ इतना होता है कि विटनेस ये इस बात की गवाही दे सके कि उसने वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है सेलर और बायर या जो भी एग्जीक्यूटर और एग्जीक्यूटेंट है उनको साइन करते हुए देखा है, उसके सामने ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ है।
बट जरूरी नहीं है कि विटनेस को उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स पता हो, ये रिक्वायर्ड नहीं है लॉ में। तो ऐसे में जब आप किसी भी बेनिफिशियरी को विटनेस बनाते हैं, तो कल को वो खड़ा होके कह सकता है कि जी मैं तो विटनेस था कि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा था और मैंने देखा था इन्होंने साइन किया, पर मुझे तो पता ही नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या था, मुझे नहीं पता था कि मेरा ही राइट, मेरी ही प्रॉपर्टी किसी और को बेची जा रही है। तो ऐसे में विटनेस जो है बैकआउट कर सकता है कि उसे पता ही नहीं था कि आपके पास सेल डीड की गई है आपके नाम पे। तो अगर कोई बेनिफिशियरी है तो कोशिश कीजिए कि उसको विटनेस ना बना करके कंफर्मिंग पार्टी बनाया जाए आपके सेल डीड में, ताकि कल को कोई डिस्प्यूट खड़ा ना हो सके। तो ये थे कुछ प्रिकॉशंस बायर्स के लिए, अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है और पार्टीशन डीड नहीं हुई है तो ऐसी प्रॉपर्टी को कैसे खरीदा जाए। आपके कुछ और सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ अखेर।